रुपए और आपने करंट रजिस्ट्रेशन और हार्ड वर्क जान। तो आज इस वीडियो पे हम कमेंट्स और रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का नाम है टाइटल है पाकिस्तान के 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बहुत ही मजा आने वाला, देखते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इस रिकॉर्ड वीडियो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और कमेंट करें अच्छा लगे तो, और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दिलचस्प मालूमात देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। दोस्तों पाकिस्तान का नाम जब भी हमारे सामने आता है इस नाम पर और पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करते हैं, लेकिन अगर यही नाम दुनिया के दूसरे किसी मुल्क में लिया जाए तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रहती। लेकिन जब कोई हमारे मुल्क के बारे में किसी गैर मुल्की से पूछता है तो ज्यादातर यूरोपीय ममालक के रहने वाले पाकिस्तान को दहशतगर्द और गुर्बत का मारा मुल्क कहते हैं। इनमें से कुछ कुछ ही ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है जो खुदा ने पाकिस्तानियों को दे रखी है। हमारे पास चार मौसम हैं, पहाड़, रेगिस्तान, दरिया और समुंदर, सोने चांदी के जखायर, तेल और गैस के खजाने। बस हमें जरूरत है तो ऐसे हुक्मरानों की जो हमारे मुल्क लाते हुए हमारी तकदीर को बदलने की कोशिश करें। यह है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, जिसके बारे में तकरीबन सभी पाकिस्तानी जानते हैं। लेकिन हमारे मुल्क को बेशुमार ऐसे एजाज भी हासिल हैं जो आज तक दुनिया में किसी दूसरे मुल्क को नसीब नहीं हुए। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स की बात करेंगे जो आज तक तोड़ने के बावजूद भी कोई दूसरा ना तोड़ सका। आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी सभी नए आने वाले दोस्तों से मोहतबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें ताकि हमारी तरफ से जल्द आप लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों पाकिस्तान के 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनको दुनिया नहीं जानती कुछ ये हैं। मरीजों, जख्मियों और हादसात के मौका पर पाकिस्तान में ईदी नाम से चलने वाली एम्बुलेंस से तो आप जरूर वाकिफ होंगे। अब्दुस्तार ईदी ट्रस्ट की जानब से आज से चंद दहाइयां पहले इस सर्विस का पाकिस्तान में आगाज किया गया था। इस एम्बुलेंस सर्विस को पाकिस्तानी हुकूमत कोई फंड नहीं जारी करती, बल्कि पाकिस्तानी और बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी इस ट्रस्ट को अतियात देते हैं। आम में से अगर किसी को नहीं पता तो जान लीजिए कि ईदी ट्रस्ट के पास जितनी एम्बुलेंस हैं आज तक दुनिया की कोई बड़ी फलाही तंजीम इतनी एम्बुलेंस जमा नहीं कर पाई। ये पाकिस्तान का एक ऐसा रिकॉर्ड है। 2012 में बच्चों की तालीम और तरबियत में शौक रखने वाली मलाला यूसुफ जई को जब अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया तो पूरी दुनिया ने यह मान लिया कि यह बच्ची इनाम की हकदार है। और फिर 2014 में मलाला यूसुफ जई को आलमी अमन के अवार्ड से, जिसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, से नवाजा गया। मलाला यूसुफ जई को जब इस अवार्ड से नवाजा गया तब उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। दुनिया में आज से पहले किसी कम उम्र को इस एजाज से नहीं नवाजा गया था। पाकिस्तान में आज तक मलाला यूसुफ जई के अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम दूसरे वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें 1979 में इस इनाम से नवाजा गया था। मलाला यूसुफ जई के अलावा कम उम्री में ऑस्ट्रेलिया के एक कीमियादान विलियम ब्राक को इस एजाज से सन 1915 में नवाजा गया था, तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। स्क्वैश की तारीख पाकिस्तानी सुपरस्टार जहांगीर खान के बगैर अधूरी है। जहांगीर खान को यह एजाज हासिल है कि उन्होंने स्क्वैश की आलमी चैंपियनशिप लगातार 8 बार अपने नाम कर रखी है। जहांगीर खान ने जब तक खेला 555 मुकाबलों में अपने सामने वाले को जेर किया। स्क्वैश की जीत का ये एजाज पाकिस्तान और जहांगीर खान से आज तक कोई नहीं छीन सका। अगर आप क्रिकेट की दुनिया से दिलचस्पी रखने वालों में से हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे कम उम्री में एंट्री मारने वाला एक पाकिस्तानी ही था, जिसने 14 साल और 227 दिन का होने पर जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पहले टेस्ट का आगाज 1996 में किया था। इस नन्हे खिलाड़ी का यह रिकॉर्ड भी आज तक दुनिया में कोई माई का लाल नहीं तोड़ सका है।
पाकिस्तान की कम उम्र बच्ची अरफा करीम से तो आप खूब वाकिफ होंगे, जिसने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड प्रोफेशनल एजाज को अपने नाम किया था। ये वही लड़की थी जिसे माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने खुसूसी मुलाकात भी की थी। ये मुलाकात भले ही 10 मिनट की थी, मगर इस मुलाकात को दुनिया भर में मकबूलियत इसलिए मिली थी क्योंकि इस मुलाकात का इजहार खुद बिल गेट्स ने किया था। 1995 को फैसलाबाद के एक गाँव में पैदा होने वाली ये अजीम बच्ची, जिसने आगे चलकर मजीद हमारी मिर्गी का दौरा पड़ने के सबब हमें छोड़कर इस जहाने फानी से कूच कर गई, मगर अरफा करीम रंधावा अपना नाम तारीख के औराक में सुनहरे हरूफ से नक्श कर गई, जो शायद फिर कोई ना मिटा पाएगा। अरफा करीम को सिर्फ यही नहीं, 10 साल की उम्र में दुबई फ्लाइंग क्लब ने एक त्यारा उड़ाने पर भी सर्टिफिकेट से नवाजा था। मेरी दुआ है कि यह धरती ऐसे ही हीरे पैदा करे जो जल्द से जल्द हमारे इस मुल्क को तरक्की के उन दहानों पर ले जाए जहां हमारा मुकाबला करने वाला कोई दूसरा ना हो। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा, दुनिया में तेज रफ्तारी से बाल करने वालों में आज भी शुएब अख्तर का शुमार पहले नंबर पर। मैच में सबसे तेज रफ्तार बाल फेंकी थी, जिसकी रफ्तार 161.3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई थी। शुएब अख्तर का बनाया हुआ ये रिकॉर्ड भी आज तक कोई दूसरा न तोड़ सका है। दुनिया का सबसे छोटा कुरान पाक भी पाकिस्तान में ही पब्लिश किया गया था। 571 पेजेस पर मुश्तमिल यह कुरान पाक सन 2004 में पब्लिश किया गया था, जिसमें अरबी साफ लिखी नजर आती है। वो लोग जिनको नजर का मसला नहीं होता, वो ये कुरान पाक पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का बनाया हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज तक दूसरा कोई ना तोड़ सका है। 1300 किलोमीटर लंबाई की हामिल शाहराए करम होकर पाकिस्तान 10 पाकिस्तानियों और 82 चीनी मजाक की ऊंचाई सतह समुंदर से 15,466 दुनिया का सबसे बुलंद तरीन रोड होने का एजाज दिया गया है, जिसको आज तक दुनिया तोड़ सका और ना ही शायद कोई तोड़ सकेगा। पाकिस्तान की कमोबेश 72% आबादी जरात के पेशे से वाबस्ता है। यही पाकिस्तान का किसान गुर्बत से मर रहा हो, मगर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम रखने का एजाज हासिल है। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम रखने के बावजूद भी हमारे हुक्मरानों ने आज तक पानी बचाने या जमा करने की तरफ कभी तवज्जो न दी थी, जिसका खुमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। शाहराए कराकोरम पर पाकिस्तान चाइना से लगाई गई एटीएम मशीन दुनिया की सबसे बुलंदी पर लगाई गई एटीएम मशीन है, जिसे 16,007 फीट की बुलंदी पर कुछ साल पहले लगाया गया था। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लगाई जाने वाली एटीएम मशीन इंडियन प्राइवेट बैंक की तरफ से है, जो पाकिस्तानी एटीएम मशीन से 2000 फीट नीची है। सिर्फ यही 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कुर्ता बनाने का एजाज, दुनिया का सबसे कम उम्र जज और दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के पास ही है। इन सब के अलावा दसियों ऐसे पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें आज तक कोई दूसरा नहीं तोड़ सका, और दसियों ऐसे पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स भी हैं जो टूटे तो हैं, मगर टूटे बहुत मुश्किल से हैं। पाकिस्तान के आलमी एजाजों पर बनाई जाने वाली ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करके सबको पाकिस्तान के इन रिकॉर्ड्स के बारे में बतलाइएगा, जिनसे हमारे मुल्क का नाम मजीद रोशन हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो इन ममालिक में अगर कोई पाकिस्तान का नाम इज्जत के साथ नहीं लेता, तो उनको पाकिस्तानी कारनामों का बतलाइए, ताकि दुनिया को इल्म हो सके कि पाकिस्तानी भी कोई। जी तो दोस्तों, आज हमने जो वीडियो देखी है, इसमें मुझे तो बहुत कुछ मालूम पड़ा है जो मेरे इलम में नहीं था कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन कौन से बनाए हुए हैं। तो वैसे तो बहुत सारे जैसे वो बता रहे थे, मुझे कुछ पता थे, कुछ नहीं पता था, कुछ अभी जानने को मिला। जैसे मुझे मलाला का पता था, शुएब अख्तर का पता था और एटीएम का पता था। एटीएम दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पे पाकिस्तान ने बनाई, तो इस तरह बाकी जो बनाए गए हैं मुझे उनका थोड़ा अंदाज़ा नहीं था। तो आप दोस्तों को जो पता हो तो लाजिम कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो। और पाकिस्तान को सही बात है, एक तरह के आलमी वर्ल्ड में दहशतगर्दी के एक नासूर प्लानिंग के तौर बदनाम करने के लिए बहुत कोशिश
वो हमारा टॉपिक नहीं, हमारा जो रिएक्शन था आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो बेल आइकॉन को दबा के लाइक भी कीजिए।